हेलो एवरीवन, इंडिया के डेवलपमेंट में अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो वो है चाइना पाकिस्तान की दोस्ती। इसमें से भी सबसे बड़ा और लॉन्ग टर्म थ्रेट है चाइना का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान से होके गुजरता है। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर गिलगित बाल्टिस्तान के खूबसूरती और वहाँ के लोगों दोनों को पूरे तरह से बर्बाद करते जा रहा है। आगे मैं वीडियो में गिलगित बाल्टिस्तान को जीबी कहके बुलाऊंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना। हाल में ही पाकिस्तान के कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के मंत्री अली अमीन ने बोला कि इमरान खान नियाजी जल्द ही गिलगित बाल्टिस्तान को फुल्ली फ्लेज्ड फिफ्थ प्रोविंस बना देंगे। पहला चार प्रोविंस है पाकिस्तान का, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध। जीबी में 15 नवंबर को इलेक्शन भी करवाया जाएगा, जिसको लेके भारत सरकार ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की। सवाल वही खड़ा हो रहा है बार बार, क्या अब समय आ गया है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे मिलिट्री एक्शन का? इसका आंसर आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। उसके साथ आपको कई सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, जिसको लेके आप काफी कंफ्यूज होंगे। अगर गिलगित बाल्टिस्तान फिफ्थ प्रोविंस बन जाए तो इसका क्या इफेक्ट होगा चाइना और पाकिस्तान पे? इसका क्या इफेक्ट होगा जीबी के लोगों पे? और उसके साथ भारत पे इसका क्या इफेक्ट होगा? पूरे सब जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें बिना स्किप किए। देखो, चीन को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे ही पूरे दुनिया में आइसोलेटेड हो चुका है, और उसके साथ पाकिस्तान चाइना के कर्ज के जाल में पूरे तरह से फंस चुका है। तो चीन आसानी से पाकिस्तान को अपनी उंगली पे नचाएगा और नचा भी रहा है। चाइना जीबी में कई सारे रेल रोड नेटवर्क्स पे काम कर रहा है, उसके साथ ऑयल पाइपलाइन भी बिछा रहा है, वहीं कई सारे डैम बनाने में भी चाइना लोन दे रहा है पाकिस्तान को। तो आप खुद सोच लो, चाइना क्यों चाहेगा कि इसका इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक डिस्प्यूटेड एरिया में? चीन के लद्दाख को लेके सबसे ज्यादा एग्रेशन का एक वजह यह भी है कि गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख का पार्ट है इंडिया के हिसाब से, इसलिए चीन पूरे लद्दाख रीजन पे ही क्लेम करता है। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान अच्छे से जानता है आने वाले टाइम में भारत का मिलिट्री पावर इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसके सामने पाकिस्तान कुछ नहीं होगा। वहीं भारत का वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है, इसी वजह से पाकिस्तान को डर है कि आने वाले समय में भारत मिलिट्री एक्शन करके पीओके और गिलगित को अपने में ना मिला ले और वह कुछ नहीं कर पाएगा। चीन के सिवाय पाकिस्तान को दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत के अगेंस्ट पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा, इसलिए पाकिस्तान चाहता है जीबी में पूरे तरह से इस्लामाबाद का रूल हो। वहीं एक और वजह है कि जीबी एरिया में सिया मुस्लिम ज़्यादा है, जो सुन्नी बहुल पाकिस्तान को जरा भी पसंद नहीं है। तो अगर जीबी में पूरा कंट्रोल इस्लामाबाद का होगा तो आराम से सिया लोगों का सफाया किया जा सकता है धीरे धीरे। अब आते हैं जीबी के लोगों पे इसका क्या इफेक्ट होगा। यह तो सोच लो कि वहाँ के लोगों का जीवन नर्क के बराबर हो जाएगा। लास्ट मंथ ही पीओके के एक्टिविस्ट अयूब मिर्जा ने यूएन में डिमांड रखा था कि पाकिस्तान के अधिकार वाले गिलगित बाल्टिस्तान को भारत में मिला दिया जाए। उन्होंने यूएन के 45वें ह्यूमन राइट काउंसिल में कहा कि पाकिस्तान अपने फेक प्रोपोगंडा से पूरे दुनिया को भ्रमित कर रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि जीबी के लोग पाकिस्तान से आज़ादी के लिए बेताब हैं। यह बात पूरी तरीके से सही है, वहाँ हर रोज प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तान और चाइना के दमनकारी नीति के खिलाफ। वहाँ के लोगों का जमीन ले लिया जाता है और बदले में एक पैसा नहीं दिया जाता। चीन वहाँ अपने प्रोजेक्ट के कारण से कई सारे गाँव को उजाड़ दिया, और ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट और ना ही चाइना कोई रहने तक का जगह मुहैया कराया उन लोगों को। इन सब वजह से वहाँ के लोगों को डर है कि अगर गिलगित बाल्टिस्तान इस्लामाबाद के कंट्रोल में पूरे तरीके से आ गया तो उन्हें कोई बचाने वाला नहीं होगा, फिर और सरेआम कत्लेआम होगा जैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान में करता है। देखो, भारत पे इसका बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिणाम होगा, क्योंकि चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाते जा रहा है, और पूरे पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान पे अगर कहीं कंट्रोल कर लिया तो आप खुद सोचो, चाइना ऐसा विकृत मानसिकता वाला देश कितना ज़्यादा भारत को तंग करेगा। चीन भारत को बॉर्डर डिस्प्यूट्स में और ज़्यादा उलझा देगा, ताकि उसका सीधा इफेक्ट भारत के इकोनॉमी पे पड़े। इंडिया के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि डिप्लोमेटिक तरीके से पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को लेना लगभग नामुमकिन है। मिलिट्री एक्शन लेने से बड़ा और परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा जाएगा पूरे रीजन पे।
लेकिन कहीं ना कहीं भारत को मिलिट्रीली प्रेशराइज करना ही पड़ेगा ताकि इसका कुछ सॉल्यूशन निकले। सॉफ्ट पावर बन के रहा तो भारत को गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा आने वाले समय में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।